कटोरा लेकर घूमोगे? पाकिस्तान अब कटोरा लेकर भीख मांगेगा। जी हाँ दोस्तों, ये हम नहीं बल्कि सनी पाजी कह रहे हैं। काउंटडाउन खत्म हुआ। अनिल शर्मा के डायरेक्शन में बने साल की सबसे मच अवेटेड फिल्म गदर 2 का ट्रेलर रिलीज हो गया है। पहले पार्ट में हैंडपंप उखाड़ने के बाद इस बार सनी हथौड़ा चलाते पहिया घुमाते फैंस को लुभाते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रेलर ने फैंस के होश उड़ा दिए हैं। हर कोई बस इंतजार में है कि कब 11 अगस्त की तारीख आएगी और फिल्म को बड़े पर्दे पर देख सकेंगे। वैसे तो हैंडपंप इस बार भी नजर आ रहा है, पर इस बार सनी पाजी उसको देखते बसे। अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वही ट्रेलर को बड़े ही ग्रैंड लेवल पर लॉन्च किया गया। ढोल नगाड़ों के साथ स्टार कास्ट का स्वागत किया गया, जहां अमीषा, सनी, उत्कर्ष समेत पूरी स्टार कास्ट मौजूद थी। सनी देओल की फिल्म का धमाकेदार ट्रेलर फैंस को खूब लुभा रहा है। पहले पार्ट में सनी जहां अपनी पत्नी अमीषा पटेल को बचाने के लिए पाकिस्तान जाते हैं, वहीं इस बार वो अपने बेटे चरणजीत यानी जीते को बचाने के लिए सरहद पार करेंगे। उत्कर्ष शर्मा इस बार फिर से सैनिक के रूप में नजर आएंगे। गदर के पहले पार्ट में छोटे से दिखने वाले उत्कर्ष अब असल में बड़े हो गए हैं। इमोशंस का पूरा तड़का लगाते इस फिल्म के ट्रेलर हर किसी के दिल को छू लिया है। सनी ने फिल्म की कास्ट से ज्यादा छेड़छाड़ नहीं की है, यही फिल्म की यूएसपी साबित होती हुई दिख रही है। फैंस इस बात से ज्यादा कनेक्टेड फील हो रहे हैं। ट्रेलर से पता चलता है कि फिल्म में इमोशंस के साथ साथ एक्शन पैक्ड ड्रामे का भी जबरदस्त तड़का मारा गया है। इस बार फिल्म की कहानी तारा सिंह और उनके बेटे चरणजीत के इर्द गिर्द घूमती हुई दिखाई देगी। सनी ने फिल्म से बाप बेटे का टूट रिश्ता दिखाने की कोशिश की है। फिल्म 1970 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान की कहानी दिखाई गई है। वहीं इस बार सनी का एक नहीं बल्कि दो दो विलेन से सामना होगा। बेटे को बचाने सनी फिर पाकिस्तान की धरती पर कदम रखेंगे। पहले पार्ट में मेयर अशरफ अली की भूमिका निभाने वाले अमरीश पुरी तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो इस बार मनीष माधवा और रोहित चौधरी फिल्म में विलेन का रोल निभा रहे हैं। साल 2001 में आई फिल्म गदर का बजट तकरीबन 19 करोड़ रुपए बताया गया था, जबकि गदर 2 का बजट लगभग 100 करोड़ तक आंका जा रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो गदर इकलौती ऐसी फिल्म थी जो 350 स्क्रीन्स पर रिलीज हुई थी, लेकिन फिल्म के 10 करोड़ टिकट बिके थे। गदर के पहले पार्ट ने रिकॉर्ड कायम किया था। वहीं गदर 2 के लीड कास्ट की फीस की बात करें तो सनी देओल ने फिल्म के लिए 5 करोड़ चार्ज किए हैं, वहीं अमीषा ने 2 करोड़ फीस ली है। हालांकि पहले के मुकाबले फिल्म में अमीषा को बहुत कम स्पेस मिला है। वहीं एक और नई एंट्री हुई है सिमरत कौर की, जो सनी की बहू मुस्कान का रोल निभाती हुई दिखाई देंगी। ट्रेलर का तो फैंस ताबड़तोड़ रिस्पांस दे रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि फिल्म को थिएटर में कितना जबरदस्त जवाब मिलता है।